पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.11 स्टार्ट करी थी और इसके कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। इंटीग्रेट साइन 3 to the power 3/2x डिवाइडेड बाय साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x विद विदिन द लिमिट्स 0 to π/2। तो यहाँ ये 0 to a वाली लिमिट हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास इंटीग्रेंट होता है और 0 to a इन लिमिट्स होती हैं, तो वहाँ हम x को रिप्लेस करते हैं a माइनस x से। तो यहाँ पर हमने x को रिप्लेस किया π/2 - x से, एंड साइन π/2 - x इज cos x एंड cos π/2 - x इज sin x। सो इट बिकम्स cos 3/2x डिवाइडेड बाय साइन 3/2x प्लस cos 3/2x। यहाँ से साइन आएगा और यहाँ फर्स्ट टर्म से cos आएगा। अब इस स्टेप के बाद इन प्रॉपर्टीज़ को जब भी हम लगाते हैं, तो इस स्टेप के बाद ये जो हमें रिज़ल्ट मिलता है और जो गिवन इंटीग्रेशन होता है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। सो एडिंग 1 and 2 वी गेट 2i इक्वल, न्यूमरेटर में दोनों ये टर्म्स ऐड हो जाएंगी और डिनोमिनेटर हमारा सेम था। अब क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन होता है x। सो x आ गया हमारे पास। अब इसकी लिमिट्स है 0 to π/2, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे π/2, देन माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए उसको लिखा नहीं है। सो i बिकम्स π/4। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सच क्वेश्चंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, they have been asked in the board examination। integrate mod x plus 2 from minus 5 to pi। in questions में हमें क्या करना है, limits को break करना है। कैसे break करेंगे, आप ये देख लीजिए कि modulus के अंदर जो function है वो इन limits के अंदर किस पार्ट में नेगेटिव है और किस पार्ट में पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंगली इस लिमिट्स को ब्रेक करते हैं। अब किस पार्ट में वो नेगेटिव किस पार्ट में पॉजिटिव होगा, इसके लिए आप पहले x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखिए। तो x क्या है, माइनस 2, तो हमारे पास पॉइंट मिल गया, हमारे पास माइनस 2 है, इसका मतलब माइनस 2 के लेफ्ट में ये नेगेटिव होगा और माइनस 2 के राइट में पॉजिटिव होगा। आप रख के भी देख सकते हैं वैल्यू, माइनस 2 के लेफ्ट में कोई वैल्यू रखिए, जैसे माइनस 3 रखा तो माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 आया, नेगेटिव आया है। और जब आप माइनस 2 के राइट का कोई पॉइंट रखेंगे, सपोज आपने 0 रखा, तो 0 रखने पे ये 0 प्लस 2 2 आया, पॉजिटिव आया। अब जब ये मॉडुलस के अंदर क्वांटिटी अगर नेगेटिव होती है, तो मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स हो जाता है इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0, और अगर ये पॉजिटिव रहता है तो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है। तो इसलिए अब हम इसको ब्रेक करेंगे एज माइनस 5 टू माइनस 2, और इस बीच में ये नेगेटिव है, इसलिए जब मॉडुलस आप हटाएंगे तो इट विल बी माइनस ऑफ एक्स प्लस 2। और माइनस 2 टू 5 के बीच में ये पॉजिटिव है, तो मॉडुलस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 के ही इक्वल आएगा। यही मेन पार्ट इसका है कि आप ब्रेकिंग ठीक करें। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 2 का 2x, सेम हियर, देन पुट द लिमिट्स, पहले अपर लिमिट रखिए और फिर लोअर लिमिट रखेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, ऐसे सेकेंड टर्म में अपर लिमिट रखा पहले, देन लोअर लिमिट एंड देन सबट्रैक्ट। After doing the calculation, you will get 29. Next is integrate 0 to 1 x 1 minus x raised to the power n dx.
अगेन यहाँ पर 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, तो x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स, और a की जगह हमारे पास 1 है, तो x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एक्स से, और रिप्लेस करने के बाद हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स, फिर 1 माइनस 1 माइनस एक्स, 1 कैंसिल आउट हो गया, एंड हेयर वी आर लेफ्ट विथ ओनली x टू द पावर n। इसके बाद टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए x टू द पावर n से, देन यू गेट x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n प्लस 1। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और x टू द पावर n प्लस 1 का हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2। लिमिट्स पुट करेंगे, पहले 1 रखा और 0 रखने पर तो 0 आएगा, इसलिए हमारे पास 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 आएगा। एलसीएम लेंगे, n प्लस 1 n प्लस 2 एलसीएम आ गया, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ, तो यहाँ केयरफुल रखिए रहिए कि यहाँ आप इस टर्म को ब्रैकेट में रखेंगे, बहुत सारे बच्चे इसे ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से मिस्टेक हो जाती है। सो फाइनली वी गेट 1 अपॉन n प्लस 1 एंड n प्लस 2। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।